आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, कल बुध बृहस्पतिवार था और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग की लास्ट जो बुधवार है उसकी क्लोजिंग बहुत अच्छी रही होगी। आज के जो सेशन में हर रविवार को हम लोग टेल मी MSY कर में जो है सवाल पूछते थे आपके कमेंट बॉक्स में, जो सवाल आप लोगों ने पूछे होते हैं। लेकिन टेल मी MSY को मैंने बदल दिया है क्योंकि सेफ शॉप और मैंने अपने चैनल का भी नाम बदल दिया। तो चैनल का नाम बदल गया तो वो जो गुरुवार को सेक्शन था टेल मी MSY वो भी बंद हो गया, क्योंकि हेड ऑफिस से ये मेरे लिए एक सजेशन था कि मुझे अपने नाम में सेफ शॉप और मानवेंद्र दोनों फुल लगाना है। इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम पहले अपना सेफ शॉप MSY था और अब DS मानवेंद्र सेफ शॉप हो गया है। तो आज मैं कह सकता हूँ कि आज आप लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोगों ने अपने सवाल पूछे हैं। ये वीडियो गुरुवार को पोस्ट होता है, लेकिन ये ट्यूटोरियल आज मैं पोस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक हमारा क्लोजिंग होता है, तो क्लोजिंग की वजह से मुझे लेट हो जाता है कभी कभी, तो मैं वीडियो नहीं पोस्ट कर पाता हूँ। तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब चलते हैं सवाल की तरफ। और सबसे पहला जो सवाल पूछा है वो सिद्धार्थ वाघमारे जी ने पूछा है। उन्होंने कहा है कि सेफ शॉप फ्रॉड कंपनी है, लकी ड्रॉ के माध्यम से मेरा नियर अबाउट 1 लाख रुपया लूट ली है। तो दोस्त सिद्धार्थ जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि लकी ड्रॉ वाला निकला था सुंदर शिशु प्रतियोगिता ब्यूटीफुल बेबी कॉन्टेस्ट, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया था कि 1 लाख रुपये लगाइए, क्योंकि 1 लाख रुपये का तो टैबलेट भी नहीं था, लैपटॉप भी नहीं था और उसमें मोबाइल भी नहीं था। तो आपको जस्ट एक बार सामान खरीदना था, मैंने भी खरीदा था, लेकिन मैंने एक बार खरीदा था क्योंकि ये लकी ड्रॉ प्रोग्राम है, इसमें आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। तो ये IPL का नहीं है कि उसमें आप पैसा लगाएं, या MPL नहीं है कि आप उसमें पैसा लगाएं। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पैसा लगाने वाला कोई काम करें तो थोड़ा दिमाग से काम करें, केवल दिल की ना माने कि लैपटॉप मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं, दिमाग से भी थोड़ा सा काम करें, क्योंकि साफ साफ लिखा हुआ है कि लकी ड्रॉ, ठीक है। तो MS एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि दूसरा सवाल MSEP पूछते हैं कि मुझे लगा कि आप कुछ खास बताएंगे इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में। तो ये 10,000 भूत वाला जो वीडियो है, आप ये खासी है क्योंकि पहले लोग सोचते थे कि 10,000 से ज्वाइनिंग है और 10,000 से टीम बनानी है, तो ऐसे लोग मिल जाते हैं सड़क पर, तो ऐसे लोगों का भूत उतारना है बैठा करके कि सर अब मेरा प्लान पूरा दोबारा देखिए, क्योंकि पहले का प्लान अलग था और आज का प्लान अलग है। आज ना सेफ शॉप में 10,000 की ज्वाइनिंग होती है, आज ना सेफ शॉप के पास 10,000 का टीम बनाने का टारगेट है। तो आप ये दोनों जो 10,000 का फाउंडेशन तक ख़त्म हो गया, दोबारा प्लान दिखाने की ज़रूरत है, उनका भूत उतारने की ज़रूरत है। और स्टालिन अब अहमद जी हैं, स्टालिन अब्दुल जी हैं, एक बार आपको प्लान देखते देखना चाहते हैं इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में पूछते हैं कि मैं ये सोच रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं एक दिन प्लान दूं तो ये देखें मुझे। तो बिल्कुल मैं प्लान यदा कदा देता ही रहता हूँ। मुझे सबसे दुनिया में आसान काम प्लान देना लगता है और फॉलोअप करना अच्छा लगता है। तो ऐसे समझिए कि मैं कभी एक बार वीडियो बना करके ज़रूर आपकी इस ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश करूँगा। फिर यही दोबारा सवाल पूछते हैं स्टालिन जी कि सर सेफ शॉप का सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट कौन सा है। तो सेफ शॉप का स्टालिन जी, मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे ज़बरदस्त प्रोडक्ट आप हैं और आपका विश्वास है सेफ शॉप के प्रति। इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट दमदार नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही दमदार प्रोडक्ट हो लेकिन आप में ही अगर आत्मविश्वास ना हो, नॉलेज ना हो और भूख ना हो तो प्रोडक्ट ही रह करके क्या करेगा। तो आप ऐसे देख सकते हैं। वैसे मेरा जो सबसे फेवरेट जो प्रोडक्ट है, मेरा फेवरेट जो प्रोडक्ट है वो रेमंड का या ग्रेसिम का या बिमल का जो नेवी ब्लू का सूट है, वो मेरा फेवरेट जो है प्रोडक्ट है। राम समीर जी बोलते हैं इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, वाह सर वेरी गुड, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने कहा, मेरे को भी 2000 में सूट कोई सिलवा के नहीं दे सकता था, तो मैं उस टेलर को भी धन्यवाद देता हूँ और आप सभी लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। अर्जुन सिंह जी कहते हैं कि इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में डियर सर सूट पहनकर वीडियो बनाइए, मौसम चेंज हो रहा है। बिल्कुल दोस्त, अब मैं कोशिश करूंगा, आप लोगों ने सजेशन दिया है तो। और नरेश तुर्की जी बोलते हैं कि बिजनेस की जानकारी देते हैं। हाँ, ये नरेश तुर्की जी थोड़ी तारीफ कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल के माध्यम से बिजनेस की जानकारी देते हैं। भारत में बहुत सारे लोग हैं जो जानकारी से अवेयर नहीं हो पाते हैं, तो
इन सब चीज़ों के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ तो आपके लिए हो रहा है। राहुल सिंह राजपूत जी कहते हैं कि सर मैं फ़ोटो अपलोड नहीं कर पा रहा इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में, तो सर बिल्कुल आप थोड़ी देर बाद वीडियो अपना फ़ोटो अपलोड करिए या फिर एक बार हेड ऑफिस में बात कर लीजिए। वैसे ऑलमोस्ट सबका आई कार्ड बन चुका है, किसी किसी का टेक्निकली प्रॉब्लम है, किसी किसी का मोबाइल में इशू है, किसी किसी का। तो दोस्तों अब DS श्याम द टाइगर सेफ साहब जी पूछते हैं, कहते हैं कि मेरे यहाँ भी कॉल आया था हेड ऑफिस से, तो बिल्कुल आपका भी कोई चैनल होगा तो हेड ऑफिस से फ़ोन आया होगा। और हेड ऑफिस वाले साहब लोग इसलिए फ़ोन करते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि ये बंदा अथेंटिक बंदा है या नहीं है, सही बंदा है या नहीं है, ऐसा कुछ करके। मुझे ज़्यादा मालूम है नहीं इसके बारे में। महेंद्र मेहता जी बहुत ही शानदार सवाल पूछा इन्होंने और बात बताई है कि इन्होंने बताया है कि इस वाले वीडियो के परिप्रेक्ष्य में कि बहाना बनाना तो लोगों का गहना है, या तो सेफ साहब में 2 साल काम करने के बाद ही पता चलता है। सर जी हमारी साइट पर जो भी नए प्रोडक्ट आते हैं वह 1 हफ्ते या 15 दिन में ही ख़त्म हो जाते हैं, उनमें से 1 या 2 वापस आते हैं, वे भी काफ़ी देर से बाकी नहीं आते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं जो भी जो मैं लिख नहीं सकता। आप समझ गए होंगे तो ऐसा क्यों होता है। तो महेंद्र जी बिल्कुल आपकी जो भावनाएं हैं उसकी मैं कदर करता हूं, क्योंकि जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं, मैं भी प्लान दिखाता हूं, फॉलोअप करता हूं, और एट द टाइम जब वो सामान मुझे नहीं दिखता है तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पैसा ले लेता हूँ और पैसा लेने के बाद से जब रजिस्ट्रेशन करने जाता हूँ तो सामान नहीं दिखता है। ये एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गलत बात है, लेकिन अगर आप इसी को दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आपकी दुकान है और कस्टमर डायरेक्ट आ गया आपके पास और डायरेक्ट आकर कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए या मुझे जैसे पार्ले जी चाहिए, और उस समय पार्ले जी आपके पास नहीं है, तो आप ब्रिटानिया का बिस्कुट देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या आप कोकोनट देते हैं, कोकोनट का बिस्कुट देते हैं कि नहीं देते हैं? कोई आपसे सनसिल्क मांगने आ गया तो क्या आप उसको क्लिनिक प्लग सजेस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या आप उसे जो है कोई हेड एंड शोल्डर का शैम्पू आप उसे ऑफर करते हैं कि नहीं करते? उसके बारे में आप समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं कि दुकान बंद करके एट ए टाइम घर चले जाते हैं कि नहीं, जब वो शैम्पू जो मांगने वाला आदमी आया था उसका शैम्पू आ जाएगा तभी मैं दुकान चलाऊंगा, नहीं तो नहीं खोलूंगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। आपके पास एक प्रॉब्लम आई तो आप उस प्रॉब्लम पे रुके नहीं, अटके नहीं, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा, सब्स्टिट्यूट ढूंढा, उसका आपने विकल्प ढूंढा, आपने उसका ऑप्शन ढूंढा। तो अब आप कहेंगे कि सर आप तो बातों की जादूगरी कर रहे हैं, बात करना बात बना, नहीं ऐसा नहीं है। बिजनेसमैन अगर आप आदमी हैं तो आपको बात करना आना चाहिए, और जो प्रॉब्लम आ रही है एट अ टाइम ही प्रॉब्लम आती है बिजनेस में, एट अ टाइम ही प्रॉब्लम आती है, नौकरी में एट अ टाइम प्रॉब्लम नहीं आती है, बिजनेस में ही एट अ टाइम प्रॉब्लम आती है। बिजनेस में ही अचानक से माल पकड़ा जाता है, अचानक से मॉल खराब हो जाता है, अचानक से एक्सपायरी खत्म हो, मतलब सब कुछ अचानक ही होता है, बिजनेस रिस्क का काम है, इसलिए इसमें टेम्परामेंट सही होना ज़रूरी है। ये जो मेंटल हमारा थॉट है या मेंटल हमारी पोजीशन है, इसका सही होना बहुत ज़रूरी है। एक एक से दिक्कतें आती हैं जो आप आम आदमी के बस का नहीं होता, इसीलिए इस बिज़नेस को पूरे इंडिया में 0.7% ही लोग करते हैं। तो 0.7% लोग का जो टेम्परामेंट होता है वो आम लोगों से अलग होता है, इसलिए होता है। तो मैं आपसे इतना लंबा चौड़ा बात नहीं कहने वाला, मैं बस इतना कहने वाला हूँ कि आपसे अगर कोई आपको अगर कोई 46 पीस का डिनर सेट का पैसा दिया तो आप उससे बताइए सर 46 पीस का डिनर सेट हमारे यहाँ अभी नहीं उपलब्ध है, आप एक काम करिए 51 पीस का डिनर सेट ले लीजिए या 2 सूट लेंथ ले लीजिए, रेमंड का नहीं है तो आप बीमल का कर दीजिए, बीमल का नहीं है तो ग्रेसिम का कर दीजिए। मतलब सब्स्टिट्यूट ऑप्शन विकल्प ये सारी चीज़ें आपके तर्कस में होना चाहिए, ये नहीं आप बहाना मार सकते, आप दुकान बंद नहीं कर सकते। आप केवल खुली, जैसे आपकी खुली दुकान है तो आप बहाना नहीं मार सकते, माफ़ी नहीं मांग सकते, आपको केवल दुकान को खोल के रखना है पहला काम, और दूसरा काम ग्राहक के द्वारा मांगे गए सामान अगर आपकी दुकान में उपलब्ध नहीं है तो आप विकल्प बताइए, सब्स्टिट्यूट बताइए, उसका ऑप्शन बताइए, और कोई आपके पास इसके अलावा तरीका नहीं है। तो मेरे ख्याल से मेरी थोड़ी सी बात है उसको आप समझ गए होंगे। और सेफ शॉप में बहाना नहीं बनाया जाता है, सेफ शॉप में तर्कों के आधार पर बात की जाए, जो सामान है तो है, जो सामान नहीं है तो सर ये सामान बढ़िया है इसको ले लीजिए, इसकी जगह पे ये ले लीजिए, इसकी जगह पे ये ले लीजिए, ठीक है। और प्रॉब्लम आपको भी आती है, हमारे पास भी प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर वहीं पर क्या होता है, एक बिजनेसमैन आदमी का दिमाग काम करने लगता है तो उस हिसाब से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, वहाँ से हमें फिर
एक अवसर मिलता है दूसरे भी सामानों को प्रमोट करने का। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ हद तक समझे होंगे, इस बारे में आप जरूर राय दीजिएगा। तो दोस्तों, ये कुछ इस हफ्ते पिछले 7 दिन में आप द्वारा पूछे गए सवालों के कुछ मैंने अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि सवाल सही हैं, ये जवाब सही हैं, आप अपने सीनियर्स के माध्यम से गाइड होकर के ही अपने काम को कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से आप लोग रैंक क्वालिफाई करिए, रैंक 1 रैंक 2 करिए, जिस तरह से इस वाले वीडियो में अभी आपने देखा हमारी टीम में इतने सारे लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।